एक ही भगवान एक से अनेक होकर हम सभी के रूप में लीलायमान हैं। इसी भाव से आप सभी को मेरा सभक्ति नमस्कार। प्यारे भक्तों, जीवन का जो समय जितना काल भगवान के संपर्क में जाता है वही सार्थक है। जीवन जो बीता जा रहा है, हम लोग इसे अच्छे कार्य में लगावें तब भी व्यतीत होगा और बुरे कार्य में लगावें तब भी व्यतीत होगा। यह काल रुक नहीं सकता, पर मानव जीवन के जो क्षण हैं वह इतने बहुमूल्य हैं कि इन क्षणों का किसी भी कीमत में पाना बड़ा ही कठिन है। कबहुक करे करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण कृपा करने वाले भगवान दया करके जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, ताकि यह जीव जो कार्य अन्य किसी देह में जाकर अब तक नहीं कर पाया वह कार्य कर ले। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी प्रमादवश जीवन के क्षणों को व्यर्थ में अथवा बुरे कार्यों में व्यतीत करता है। उसके समान मूर्ख कोई नहीं है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निदंक मंद मते आत्माहन गति जाए। प्रसादकों, मनुष्य शरीर पाकर ऐसा समाज प्राप्त कर जो बहुसागर से नहीं तरता है वह मतमंद है, उसकी बुद्धि मारी गई है, वह कृत निंदक है, उसको आत्महत्यारे की गति प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे प्रधान कार्य यही है कि वह अपने जीवन का संपर्क भगवान से जोड़ ले, कर्म करे योग निष्ठ होकर। गीताजी 2:48 में भगवान कहते हैं, योग स्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग इच्छति। तीन प्रकार की स्थिति होती है, पहली योग स्थ, दूसरी प्रकृति स्थ और तीसरी स्व स्थ। तीनों का वर्णन गीता जी में है। प्रकृति स्थ जो है वह जीव है। पुरुष है प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। यह पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य करके उसके साथ मिलकर प्रकृति स्थ होकर प्रकृति में होने वाले विकारों को, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को अपने में मानकर प्रकृति के गुणों से आबद्ध होकर कामना वासना आसक्ति ममता अहंकार और ईर्ष्यावश कर्म करता है और प्रकृति के गुणों को भोगता है, अच्छे बुरे योनियों में जाता है और इसका छुटकारा नहीं होता। यह पुरुष प्रकृति स्थ है। स्वस्थ वह है जो स्व में स्थित हो गया, जिसकी स्थिति आत्मा में हो चुकी, जो परमात्मा को प्राप्त गुणातीत पुरुष है। गीता जी के 14वें अध्याय में स्वस्थ पुरुष का वर्णन है। हम स्वस्थ नहीं हैं, प्रकृति स्थ कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। जो प्रकृति स्थ है वह हमेशा बीमार ही है। शरीर की बीमारी तो मरने के साथ मर जाती है, लेकिन वह जो बीमारी है वह मरने के बाद भी साथ जाती है। इसलिए जो प्रकृति स्थ है वह स्वस्थ नहीं है, वह प्रकृति में स्थित है। स्व जो आत्मा है, स्वरूप है, उसमें स्थित नहीं है। यह प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, इसी का नाम जीव है। प्रकृति में होने वाले विकारों, परिवर्तनों और प्रकृति में होने वाले जन्म मृत्यु के दृश्य को यह अपने में मानता है। जैसे किसी दीवाल के अंदर घिरा हुआ आकाश दीवाल के टूटने को अपना टूटना माने, दीवाल के रंगने को अपना रंगना माने, दीवाल की शोभा को अपनी शोभा माने, इसी प्रकार प्रकृति में स्थित जो पुरुष है वह प्रकृति के गुणों में बद्ध रहता है। भुक्ते प्रकृति जान गुणान गीताजी 13:21। यह प्रकृति के गुणों को भोगता है, इसीलिए अच्छी बुरी योनियों में जाता है। इसे होना है स्वस्थ, और इसके लिए पहले योग स्थ हो। योग स्थ होने के लिए सर्वप्रथम भगवान का जो स्वरूप मन में हो उसके साथ चित्त का योग कर दे तथा उस योग में बह जाए। पुरुष प्रकृति स्थ न होकर योग स्थ हो जाए, चित्त को भगवान के साथ जोड़कर उसमें स्थित हो जाए, तब कर्म करे। योग स्थ के कर्म में और प्रकृति स्थ के कर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। योग स्थ पुरुष के कर्म जो होते हैं वह आसक्त रहित और सिद्धि असिद्धि में समता युक्त होते हैं, जबकि प्रकृति स्थ पुरुष के कर्म आसक्ति सहित और अनुकूल फल की प्राप्ति के लिए होते हैं।
भगवान ने कहा, अर्जुन तुम कर्म करो, परंतु कर्म करो योग में स्थित होकर, आसक्ति छोड़कर तथा अनुकूल प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहो। इस प्रकार जो कर्म करोगे उसका फल होगा भगवत प्राप्ति। हानि होने पर दुख उसी को होगा जो उस हानि को अपना मानेगा, जो उस घाटे में अपनी हानि मानेगा, जिसका परमात्मा के विधान में विश्वास नहीं है। प्यारे भक्तों, मान अपमान में, हानि लाभ में, जय पराजय में, सुख दुख में, इन सभी द्वंद्वों में जो हमारे मन में अनुकूल प्रतिकूल भाव है, वह इस शरीर में ममता, वस्तुओं में आसक्ति, शरीर में अहंकृति को लेकर है। योग इष्ट होने पर वह इन द्वंद्वों को देखेगा अवश्य और इन दोनों को भगवान की लीला मानेगा। लीला में स्वांग के अनुसार कर्म करेगा तो दुख सुख नहीं होगा। गीताजी 2:38 में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व न एवं पापम वाप्स्यसि। भगवान में अविश्वास होने के कारण ही मनुष्य अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख की भावना करता है। जिसका भगवान में विश्वास है वह मानता है कि भगवान में चार बातें हैं। पहली, भगवान सर्वशक्तिमान है। दूसरी, भगवान सर्वज्ञ हैं। तीसरी, भगवान सर्वेश्वर हैं। चौथी, भगवान हमारे परम सुहृद हैं। संसार में जो कुछ घटित होता है वह भगवान के नियंत्रण में होता है, उनकी देख रेख में होता है। इसलिए मंगलमय भगवान की देख रेख में यदि हमारे लिए कोई दुख का विधान आता है तो यह मानना होगा कि यह दुख का विधान जो आया है वह मंगलमय भगवान के सौहार्द के साथ आया है। वे चाहें तो इसे मिटा सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे हानि समझते तो इसे हटा सकते थे क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। वे यदि नहीं होने देते तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि होने देता क्योंकि वे सर्वेश्वर हैं। गीता जी 5:26 में आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा कि मैं समस्त लोकों का महेश्वर और सभी यज्ञों तपों का भोक्ता होता हुआ भी जीव मात्र का सुहृद हूँ। इसलिए जो सुहृद हैं उसके द्वारा हमारी बुराई नहीं हो सकती है। मनुष्य की भलाई किसमें है इसे वह नहीं जानता है। भगवान हमारे सुहृद होने के साथ साथ सर्वज्ञ हैं, परम बुद्धिमान हैं तथा भगवान में करने की चाहत है, इच्छा है। वे सर्वशक्तिमान सभी लोगों के ईश्वरों के ईश्वर हैं। उनका सब पर शासन है, उन पर कोई शासन नहीं कर सकता। ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सुहृद भगवान यदि कोई दुख भेजते हैं जिसे हम दुख माने और यदि हमारा उन भगवान पर विश्वास हो तो वह दुख कहाँ, वह तो किसी महान सुख का पूर्व सूचक है। प्रिय साधकों, यदि उस दुख को दुख माने तो सुख टलने लगता है। सात्विक सुख भी पहले दुख सा मालूम पड़ता है। भगवान ने गीताजी 18:37 में कहा है, यत् दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि के प्रसाद से, भगवत कृपा से जो सुख मिलता है वह आरंभ में जहर सा प्रतीत होता है क्योंकि विषयों का सुख मिटने लगता है। जब विषय हटते हैं तो मूर्ख दुखी हो जाता है क्योंकि मन के प्रतिकूल बात होने लगती है और ईर्ष्या द्वेष मोह करके अपने को दुखी मानने लगता है। परंतु बुद्धिमान पुरुष दुखी नहीं होता है, वह समझता है कि भगवान के मन की हो रही है, बहुत अच्छा है, भगवान हमें अपना रहे हैं, इसलिए इन वस्तुओं का ममत्व हमसे छीन रहे हैं। जो आरंभ में जहर मालूम पड़ता है वह परिणाम में अमृत तुल्य होता है। ऐसा सुख सात्विक सुख होता है। जो भगवान का अविश्वासी है और भोगों का गुलाम है उसे ही संसार के हानि लाभ में दुख होता है, जबकि बुद्धिमान पुरुष इसे संसार का खेल समझता है। जैसे नाटक में यदि विभिन्न रसों का प्राकट्य न हो तो है सरस नहीं होता। सुख या दुख किसी भी अवस्था में दो भावना करें, यह भगवान द्वारा किया हुआ मंगल विधान है या इस वेश में साक्षात स्वयं भगवान है। गीता जी 6:22 में आता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तते यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते।
भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति होती है कि इससे ऊंचा कोई लाभ नहीं होता है और उसमें स्थित जो पुरुष है वह संसार के जो महान दुख हैं उनसे विचलित नहीं होता है। दुख से वे विचलित होते हैं जिनमें प्रतिकूल भाव होता है, अपनी वस्तु के नाश की भावना होती है, वस्तु के नाश होने की आशंका में भय होता है और नाश हो जाने पर शोक होता है। भय और शोक में सारा संसार उलझा है, परंतु जो स्वस्थ है उसे मोह भय और शोक नहीं होता है, क्योंकि उसका भाव रहता है कि सर्वत्र सब अवस्था में सब स्थिति में भगवान है। जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक स्थिति में ऐसी भावना करें कि जैसे बिना बुलाए दुख आते हैं ऐसे ही बिना बुलाए सुख भी आते हैं, तथा दुख और सुख रूप में भगवान का विधान ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान से कुछ अपेक्षा न करे और प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे मन में कोई चाह पैदा न हो और यदि हो तो आपकी चाह के अनुकूल हो। जो आप चाहें मैं वही चाहूं और कदाचित मेरी चाह आपके चाह के प्रतिकूल हो तो उसे कभी पूरा न करें। भगवान मंगलमय हैं, परम हितेशी हैं, वह जो सोचते हैं वही उचित है। जैसे छोटा बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है, सांप पकड़ना चाहता है, तो माँ जानती है कि यह इसके लिए उचित नहीं है और माँ उसे उससे अलग कर देती है। इसी प्रकार भगवान जो उचित होता है वही करते हैं। जिनके पास संसार के पदार्थ हैं उन पर हम भगवान की कृपा मानते हैं और जिनके पास नहीं हैं उन पर भगवान का कोप मानते हैं। प्रिय साधकों, भगवान की कृपा का मापतौल हम करते हैं संसार के पदार्थों को लेकर, यही महाभ्रम है। संसार के जो पदार्थ ममता और आसक्ति बढ़ाने वाले हैं वे वास्तव में पदार्थ नहीं, विष हैं, वे त्याज्य हैं। शास्त्रों में कहा गया है विषयान विश्वत त्यज। उन पदार्थों में ममता और आसक्ति करके जो सुख प्राप्त करना चाहता है वह माने न माने भ्रम में है, दुख का पूर्व रूप उसके सामने है। अतः भगवान की कृपा न उनके आने में है न जाने में है। वस्तुएं आएं उनका विरोध नहीं, परंतु जब आएं तो भगवान में विश्वास करके यह समझें कि भगवान ने हमें सेवा का कार्य सौंपा है। इन पदार्थों का भगवान ने हमें ट्रस्टी बनाया है जिनके द्वारा हमें सेवा करनी है। इनको अपना न माने, संपत्ति भगवान की और हम उनके नौकर। भगवान जब जैसा चाहते हैं वैसा कार्य सौंपते हैं, तथा यदि वस्तुएं जाएं तो माने कि प्रभु अपने पास बुलाने के लिए ये वस्तुएं हमसे छीन रहे हैं। जब भगवान सभी चीज़ों को छीन लें तब समझें कि अब आनंद है, भगवान अपने पास बुला रहे हैं। उसमें भ्रम न माने, भ्रम होने से तो भोग हो जाएगा। भगवत जन रूपी धन जिनके पास है वही वास्तव में धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। भजन रूपी धन ही दैवी संपत्ति है। गीता जी में भगवान ने कहा है कि दो प्रकार की संपत्ति होती है, जिनके पास भगवत गुण हैं उनके पास दैवी संपत्ति है, और जिनके पास विषय ही विषय हैं वह आसुरी संपत्ति वाला है। आसुरी संपत्ति वाले को बंधन होता है और दैवी संपत्ति वाले को मोक्ष होता है। जिसके पास संसार के वैभव हैं और वह इन वैभवों में आसक्त नहीं है तथा उन पर अभिमान नहीं करता और सारे भोगों को भगवान का मानकर जीवन में लगता है वह धन्य है। जिसके पास वैभव नहीं है वह और भाग्यवान है, क्योंकि उसके पास संसार में आसक्ति ममता के पदार्थ नहीं है। जहाँ आदर सम्मान ममता आसक्ति अधिक होती है तो व्यक्ति उसी में फंसा रहता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ऐसा बना दो जिससे कोई आशा उपेक्षा न करे, कोई स्वार्थ साधन का मतलब न रखे, ताकि चुपचाप भगवान का भजन करता रहूं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जगत के भोगों में सुख की आशा ही जीवन के अंतिम क्षण तक मारे डालती है, जिससे भगवान को भूलते हैं यह बड़ा भारी प्रमाद है। जो कार्य करना है उसे न करें और जो नहीं करना है उसे करें, इसी को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद मृत्यु है। संसार में एक ही कार्य है, जीवन को भगवान के लिए बनाकर उनकी सेवा में लगाना, ताकि अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए हो।
अपना कुछ कर्म रहे ही नहीं। गीता जी 11:55 में भगवान कहते हैं, मत कर्म करन मत परमो मद भक्ते संग वर्जित है निर्वीर है सर्वभूतेश यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार की सारी संपत्ति, सारा कार्य भगवान का, हमें तो सिर्फ सेवा करनी है। किसी भी तरह न सुख की चाह करें, न दुख की परवाह करें, न सुख आने पर सुखी हों, न दुख आने पर दुखी हों, बस भगवान के प्रत्येक मंगलमय विधान को या तो देखें या स्पर्श प्राप्त करके नित्य जगत में सुखी रहें। भगवान के विधान को मनुष्य अपने दुखी होने और क्रोध करने से बदल नहीं सकता, बल्कि अपने अंदर द्वेष पैदा होगा और यह द्वेष नरक में ले जाने वाले कर्म करा देगा। द्वेषवश, ईर्ष्यावश, वैरवश, क्रोधवश, आसक्तिवश हमारा मन कहीं होगा, क्रिया कहीं होगी। जहाँ तन मन वचन बिगड़े वहाँ मनुष्य गिरा। अतः तन मन वचन तीनों को भगवान में लगाए रखें। तन से भगवान की सेवा और मन से भगवान का नित्य चिंतन, वाणी से भगवान का गुणगान, नामगान, इससे रहित सभी क्रिया व्यर्थ ही है। प्यारे साधकों, जो समय भजन के बिना बीता वह बेकार हो गया। बीत गए दिन भजन बिना रे, अब पश्चाताप से क्या फायदा। जो श्वास गई वह गई, अब शेष भगवान को सौंपकर उन्हीं का भजन करें। ममता को ना आने दें, ममता ही रुलाती है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। भगवान में ममता हो जाए और उनकी कृपा लेकर संसार में समता हो जाए, फिर आनंद ही आनंद है। अन्यथा यहाँ की वस्तुओं को अपना मानकर जो मरता है वह बहुत ही कष्ट पाता है। आसक्ति सहित मरने पर व्यक्ति प्रेत होता है और प्रेत होने पर जहाँ जहाँ आसक्ति रहती है वहाँ वहाँ वह भटकता है। प्रेत योनि में स्मृति बनी रहती है, जिससे वह देखता है कि अमुक वस्तु मेरी थी, अमुक मेरा सगा था और उसके दुख से दुखी होता है, उसके सुख से सुखी होता है, उनके वैर को वैर मानता है एवं उनके द्वेष को द्वेष मानता है, परंतु कर कुछ नहीं सकता क्योंकि उसका वश नहीं चलता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का भजन करते रहें, जिससे अंतकाल में भगवान का नाम आ जाने से मुक्ति मिल जाए। अर्जुन ने जब भगवान से अंतकाल की बात पूछी तो भगवान ने कहा, गीता जी 8:5 में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात स मदभावम याते नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करके शरीर त्याग करता है उसे मेरी ही प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। अर्जुन ने सोचा कि अंतकाल में स्मरण कर लेंगे, जीवन भर मौज कर लें। तब भगवान ने दूसरी बात कही, गीता जी 8:6, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यह नियम है कि जिस जिसमें मन रखकर आदमी मरता है उसे उस उसकी प्राप्ति होती है। आदमी जीवन भर जिसका स्मरण किया है अंतकाल में उसी की याद आती है, सहज या अकस्मात आना बड़ा मुश्किल है। फिर अर्जुन बोले कि भगवान तब क्या करें, तो भगवान ने कहा, गीता जी 8:7, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम नुष्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि संशयम्। इसलिए अर्जुन सर्व काल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, स्मरण करते रहोगे तो मृत्यु जब आएगी तो तुम निसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। अतः यह आवश्यक है कि जीवन में भगवान नाम जप नित्य निरंतर होता रहे, क्योंकि अंतकाल में भगवान के नाम जप से यमराज का वश नहीं चलता है। प्यारे भक्तों, अंतकाल में भगवान का स्मरण अभ्यास रहने पर ही होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। मुनि भी हैं, जतन भी करते हैं, पर भजन परायण न होने से अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता है। इसलिए जीवन थोड़ा है और भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। सोते हुए भी जीव से भगवान का नाम लेता रहे
और मन से भगवान का चिंतन करता रहे। जीव से जितना भगवान का नाम लिया जाए उसी में जीव की सार्थकता है। जीव से कहें कि रसने, तू तो रस के सार को जानती है, रस को चखती है, तुम्ही को मीठा महसूस होता है, तब यह राम नाम तो अमृत है, इसे ही पी। एक भक्त ने कहा कि जीव अपने पास है और राम नाम है, फिर भी लोग नरकों में जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए और संसार के प्रलोभन में मैं मेरा तू तेरा के चक्कर में न रहें। जिसके पास जो है वह रखे, पर मन में ममता न रखे, मृत्यु से पूर्व निष्किंचन हो जाए। ममता मन में ही रहती है, जहाँ ममता नहीं होती है वहाँ वैर द्वेष नहीं होता, बुरा करने और बुरा चाहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ममता रहने पर यह सभी होते हैं, यह स्वाभाविक है। जहाँ राग होता है वहीं द्वेष होता है, और राग द्वेष से दैवी संपदा का हास होता है। राग अगर न मिटे तो राग भगवान से करना चाहिए एवं द्वेष भगवत विमुखता से। दुर्गुणों को सद्गुण की सेवा में लगा दें तो सारे दुर्गुण सद्गुण हो जाएंगे। कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो अग्नि शीतल हो जाती है, शत्रु मित्र हो जाते हैं और दुख सुख हो जाता है। यह सब अपने आप हो जाता है जब हम अपने आप को भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, न जाने कब मृत्यु हो जाए, इसलिए हम भगवान के हो जाएं तो सभी चिंता समाप्त हो जाएगी। गीता जी 16:16 में भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरके असुचो। जब तक हम भोगों में अत्यंत आसक्त हैं तब तक नरकों में गिरते रहेंगे। हमारे हृदय में विषयों की आग जलती रहती है, पर इसको शांत करने का जल भी अंदर ही है। शांति का अमृत हमारे अंदर है। गीता जी 2:71 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जब तक हम संसार के भोगों के दास बने हैं तभी तक यह अशांति है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बिगरी जन्म अनेक की सुधरै अब ही आज, हो ही राम को नाम जपो तुलसी तजे कुसुमाज। कुसंग का त्याग करके भगवान के नाम का जप करें और भगवान के हो जाएं। अपनी सारी ममता भगवान को सौंपकर अपने को भगवान का बना दें, भगवान को अपना बना लें। रहे वही, घर वही, द्वार वही, काम वही, सब वही, परंतु जगत के भोगों का दास होने की जगह भगवान का दास हो जाएं और अपने को भगवान के चरणों में सौंप दें। बदले में भगवान हमें अपने आप मिल जाएंगे। जिन्हें हमने अपना मान रखा है वे सभी धोखा देंगे, पर भगवान मरने के बाद भी साथ जाएंगे। वे अलग नहीं होंगे, वे तो नित्य साथ रहते हैं। भगवान को साथ रखना चाहिए और जो धोखा देने वाले हैं उन्हें पहले ही छोड़ दें। अगर इनका संग करें, इनसे प्रेम करें तो भगवान की सेवा के लिए ही करें। अपने अधिकार का त्याग कर दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। अपने लिए न्याय बरतें, दूसरे के लिए उदारता बरतें। इस भाव से संसार में रहें तो परम कल्याण होगा। प्रिय साधकों, जो लोग भगवत चरण विमुख हैं उनका जीवन नरक रूप है। ते नर नरक रूप जियत जग भय भंजन पद विमुख अभागी। वे स्वयं रात दिन नरक की आग में जलते हैं और आसपास आने वालों को भी जलाते हैं। इसलिए जगत में आशा चाह त्याग कर जीवन को सार्थक बनाएं। चाह गई चिंता गई मन भावे परवाह, जिसको कछ नहीं चाहिए सोई जग सहनसाह। इसलिए बस भगवान के नाम का जप करें, भगवान का स्मरण करें। अपने जीवन को, जीवन के पदार्थों को, जीवन के समय को भगवान की सेवा में लगाकर इसे सार्थक करें, धन्य करें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके दूसरों को भी लाभान्वित करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय में अपने इष्ट स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।